Hi guys, this is Manoj Mugir, English language trainer and career coach. Today we are going to discuss a very powerful topic, that is vocab. In vocab we are going to discuss some idioms, and in last class we learned a few, but now it's time to learn more, right? So let's start the class. आज की क्लास में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट idioms हैं, जिसमें पहला आता है fair weather friend. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश की क्लास में या हमारी आम बोलचाल में जब हम idioms का यूज करते हैं, यानी मुहावरों का यूज करते हैं, तो हमारी इंग्लिश यानी हमारी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है. एंड पर्सनली आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा अपनी लैंग्वेज में फ्रेजेस का यूज जरूर करें, राइट? तो पहला हमारा idiom आता है fair weather friend. Fair weather friend की बात करें तो इसका मतलब होता है summer friends, यानी कि वो लोग जो सिर्फ मतलब में साथी होते हैं, यानी वो लोग जो हमेशा अपने मतलब के लिए आगे आते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो वो गायब हो जाते हैं, यानी समर फ्रेंड्स की तरह, राइट? तो ऐसा ढूंढिए आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग में ऐसा कौन सा दोस्त है जो सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब में, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो आप अपने मतलब के लिए आपके पास आता है और फिर गायब हो जाता है. तो मान लीजिए मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सौरभ है, और वो सौरभ क्या करता है कि अपने मतलब के लिए आता है. तो मुझे पता है सौरभ इज अ फेयर वेदर फ्रेंड. सौरभ इज माय फेयर वेदर फ्रेंड. ही इज माय फेयर वेदर फ्रेंड. यू आर माय फेयर वेदर फ्रेंड. तो जब भी कभी मौका लगता है कि हम जानते हैं कि ये व्यक्ति आज बड़े दिनों बाद हमारे पास आया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई पर्पज होगा. एंड जब पर्पज होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं यू आर माई फेयर वेदर फ्रेंड. यू आर माई फेयर वेदर फ्रेंड. चलिए आगे हम बात करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन्स माउथ. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कई बार हम हमेशा अपनी किस्मत को कोसते हैं, कहते हैं कि यार हम हमारे घर वाले अमीर नहीं है, या हमें विरासत में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें विरासत में बहुत कुछ मिलता है, लाइक रणवीर कपूर. लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं रणवीर कपूर. तो रणवीर कपूर को विरासत में उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर, उन सबसे क्या मिली है, एक लेगेसी मिली है. और वो एक्टिंग का हुनर जो दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उनको विरासत में वो चीजें मिली हैं. तो हमें बताना है कि आज के डेट में अगर रणवीर कपूर को कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी उसके पास में वो सब कुछ होगा. रीजन ये है कि उसे सब कुछ मिला हुआ है, यानी ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यानी कि वो चांदी की चम्मच के साथ में पैदा हुआ है, यानी कि वो विरासत में वो सारी चीजें लेके पैदा हुआ है, राइट? तो हम बोल सकते हैं ही वॉज बॉर्न, रणवीर कपूर वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, राइट? अगर कोई फीमेल है तो हर लगा देंगे. नेक्स्ट आता हिट द जैकपॉट. हिट द जैकपॉट की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. हिट मतलब हिट द जैकपॉट, लॉटरी लग गई, राइट? तो लॉटरी लगने के अगर हम सेंस की बात करें तो अलग अलग तरह से लॉटरी लगने का सेंस आता है. कई बार हम बात करते हैं लॉटरी लगने के लिए कि आपका कोई एकदम से बड़ा काम बन गया, बहुत समय से जो काम नहीं बन रहा था वो आज अचानक से बन गया. कई बार ऐसा होता है कि एक काला आदमी है, उसकी शादी किसी गोरी और बढ़िया लड़की से हो जाती है, राइट? और ऐसा तभी होता है दोस्त जब आपकी नौकरी लग जाती है. तो इसलिए नौकरी जरूर लगाएं, राइट? एंड अब हम बात करते हैं हिट द जैकपॉट. तो लॉटरी लग गई है ना, मुझे बताना आई हिट द जैकपॉट, क्योंकि हिट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हिट ही होता है. अगर मुझे पास की बात करें तो आई हिट द जैकपॉट, तुम्हारी लॉटरी लगी, यू हिट द जैकपॉट, उसकी लॉटरी लगी, ही हिट द जैकपॉट, राइट? तो कई बार हम ऐसा बोलते हैं जब शादी हो जाती है अच्छी लड़की से, या अच्छी नौकरी लग जाती है, या रातों रात तरक्की मिल जाती है, तो हिट द जैकपॉट, यू हिट द जैकपॉट, राइट? नेक्स्ट आता है एंड इन स्मोक. एंड इन स्मोक, आपने नोटिस किया होगा जब कोई सिगरेट लेता है और सिगरेट पीता है, तो सिगरेट पीने के बाद में लास्ट में क्या होता है, धुआं और राख ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता. दैट मीन्स एवरीथिंग गॉन रूइंड, यानी कि हर चीज वो बर्बाद हो गई. इसे हम बोल सकते हैं इन वेन, राइट? इन वेन मतलब ऑल इन वेन, मतलब सब कुछ बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, राइट? इसी तरह से एंड इन स्मोक, राइट? तो मुझे बताना आई ट्राइड वेरी हार्ड बट एट लास्ट एवरीथिंग वेंट एंड इन स्मोक. सो आई ट्राइड वेरी हार्ड एट लास्ट एवरीथिंग वेंट इन स्मोक, यानी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लास्ट में सब कुछ व्यर्थ हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, राइट? तो इस तरह से मैं बात कर सकता हूं. एंड हमारा आता है प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोज एंड कॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसे आम बोलचाल में बहुत यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है पक्ष एंड विपक्ष, मेरिट डिमेरिट्स प्लस एंड माइनस, यानी कि हम अलग अलग सेंस में से बोल सकते हैं. तो हर चीज के कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ बेकार पहलू होते हैं. एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स, यानी हर चीज के पक्ष और विपक्ष होते हैं, राइट? तो एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स.
तो मुझे बताना है कि इस लॉकडाउन में रहने का भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट? हम अगर लॉकडाउन में घर में हैं तो हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम अपने आप को अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे काम कर सकते हैं, तो देखा जाए तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी, और एक तरह से देखा जाए तो यार क्या करें, वी आर गेटिंग बोर, हम लोग बोर हो रहे हैं, घर में कोई काम नहीं है, बस खाना पीना सोना ही है, फिर सब यू आप पे डिपेंड करता है कि आप इस लॉकडाउन को कैसे लेते हैं, राइट? तो एवरीथिंग हैज गॉट प्रोज एंड कॉन्स. नेक्स्ट आता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कितना टफ कॉम्पिटिशन है. एक एक सीट के लिए, एक एक सीट के लिए कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन हमें फाइट करना पड़ता है, राइट? सो मुझे बताना है देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में गला काट प्रतियोगिता है. वी आर वॉचिंग, वी आर लुकिंग इन द मार्केट. सो मार्केट में भी सेम कंडीशन है, मार्केट में भी गला काट प्रतियोगिता है. आप अगर मार्केट में किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो आप देखिए किसी लोकल मार्केट में एक ही सामान की कई सारी दुकानें होती हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि वो आप उसके यहाँ जाएं और कुछ सामान परचेस करें, राइट? सो देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. इसे हम दूसरे शब्दों में रेट रेस भी बोल सकते हैं. जैसे थ्री डेट में कहा गया है, थ्री डेट मूवी हम सबने देखी हुई है, जिसमें कहा गया है भागो लाइफ इज अ रेस, है ना? तो ये क्या है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. जो आदमी जितना ज्यादा आगे निकल जाएगा और वही जीत जाएगा, राइट? सो बोल सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा स्मेल अ रैट. समथिंग इज सस्पिशियस. स्मेल अ रैट की अगर हम बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी हमारे घरों में जैसे हम एंट्री करते हैं, किसी और के घर में एंट्री करते हैं, तो कहीं ना कहीं गंध आती है, राइट? और गंध आती है कि कुछ मर गया है, राइट? तो हम सुनते यार कुछ गड़बड़ है, कोई चूहा वो मर गया कहीं कोने में, है ना? तो चूहा वो मर गया है क्यों, हमें गंध आ रही है, दैट मींस हमें कुछ ना कुछ संदेह आ रहा है, और संदेह आ रहा है तो बोलेंगे स्मेल अ रैट, राइट? सो देयर इज स्मेल अ रैट. अब हम बात करते हैं कि इसे और कैसे याद रखते हैं. तो एक बहुत ही फेमस सीरियल आता है सीआईडी, और सीआईडी में जो हमारे ऑफिसर हैं वो बोलते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है. तो कुछ तो गड़बड़ है, दैट मींस समथिंग इज सस्पिशियस, दैट मींस स्मेल अ रैट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे आता है हमारा एट स्टोन थ्रो. जैसा कि हमें समझ में आ रहा है स्टोन थ्रो, स्टोन मतलब पत्थर और थ्रो मतलब फेंकना. एक व्यक्ति पत्थर को कितनी दूरी पर फेंक सकता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं फेंक सकता, उसकी एक लिमिटेशन है. तो एट द स्टोन थ्रो मतलब नजदीक में ही, राइट? तो एक व्यक्ति मुझसे पूछता है कि आपका घर आगरा कैंट से कितना दूर है, या आपकी घर से आगरा कैंट कितना दूर है. तो मैंने कहा यस, आगरा कैंट एट इज एट स्टोन थ्रो. तो मुझे बताना है कि आगरा कैंट मेरे घर के नजदीक ही है, है ना? पास में ही है, समीप ही है, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, यस आगरा कैंट इज एट द स्टोन थ्रो, राइट? नजदीक में ही है, राइट? मुझे बताना रोहित मेरे घर के नजदीक में रहता है, रोहित लिव्स एट द स्टोन थ्रो, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर द टेबल. अंडर द टेबल का मतलब है टेबल के नीचे से. तो कई बार हम किसी भी काम को जब हम कराने किसी सरकारी डिपार्टमेंट पे जाते हैं, तो कुछ सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे बिना रिश्वत की काम नहीं होता, राइट? जब बिना रिश्वत की काम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अंडर द टेबल देते हैं. अंडर टेबल का मतलब हो गया टू गिव ब्राइब. ब्राइब मतलब रिश्वत देना, है ना? तो मुझे बताना है कि काम अगर करवाना चाहते, इफ यू वॉन्ट टू गेट योर वर्क डन, सो यू हैव टू गो अंडर द टेबल. तो आपको रिश्वत देनी होगी, राइट? सो अंडर द टेबल. नेक्स्ट आता है सी आई टू आई. अब सी आई टू आई का मतलब क्या है, आंखों ही आंखों में देखना. तो मुझे गाना याद आ रहा है, आंखों ही आंखों में ये सारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में. अब आंखों ही आंखों में सारे का मतलब क्या है, सो लॉकडाउन में हम लोग घर पे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग महाभारत देख ही रहे होंगे, और महाभारत देख रहे हैं तो हम देख यहां से एग्जांपल उठाते हैं शकुनी. शकुनी मामा और दुर्योधन आपस में आंखों ही आंखों में इशारा करके इसी बात पे राजी हो जाते हैं, और जब बात आती है शांत होने की शांत हो जाते हैं, जब बात आने की आती है उठ करके अपनी बात को रखने की, तो वो वैसा करते हैं. तो वो क्या हो रहा है, यानी आंखों ही आंखों में सारा देख करके वो एक दूसरे को एग्री कर लेते हैं, डिसएग्री कर लेते हैं, यानी आंखों ही आंखों में. सी आई टू आई मतलब टू अग्री, राइट? इसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं. जब आपकी पत्नी, मतलब जो लोग शादीशुदा हैं, है ना, आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स घर में आते हैं, राइट, और पति कहता है कि बीवी कुछ बना लो, तो पत्नी आके निकाल देती है, तो इसका मतलब है कि भाई मैं नहीं बनाना चाह रही, तुम बना लो जाके. दैट मीन्स
आंखों ही आंखों में इशारा मतलब टू अग्री राइट, तो सहमति दर्शा देना टू एग्री कर देना सी आई टू आई, मुझे बताना शकुनी सो आई टू आई दुर्योधन राइट। चलिए एंड लास्ट वेरी इंटरेस्टिंग जबरदस्त एक्सप्रेशन विद फ्लाइंग कलर्स। तो विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब है कि बहुत ही जबरदस्त सफलता, सफलता पाना एक अपने आप में अलग बात है, बट सफलता को एक जबरदस्त तरीके से पाना अपने आप में अलग बात है। मान लीजिए हम क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट में धोनी मैच जीत रहा है, पर जब धोनी मैच जीता और धोनी सेंचुरी भी मार जाता है, धोनी वन द मैच विद फ्लाइंग कलर्स, यानी धोनी ने मैच ही नहीं जीता, मैच जीतने के साथ साथ उसने सेंचुरी भी मारी। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो लेते हैं, बट ऑल ओवर इंडिया की मेरिट में आपकी जबरदस्त रैंक आती है राइट। इन द सेम वे आपका छोटा भाई है ना, अगर 10th के एग्जाम दे रहा है तो वो 10th के एग्जाम तो देता है, 10th के एग्जाम में फर्स्ट तो आता है, लेकिन फर्स्ट वो 60% से नहीं आ रहा, वो 80% से आ रहा, और आपने उम्मीद की थी कि इसके 60% आ जाएंगे, यानी कि योर ब्रदर योर यंगर ब्रदर क्वालिफाइड द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। I qualified the exam with flying colors. I got the job with flying colors. तो flying colors का मतलब है जबरदस्त तरीके से, right? तो ये हमारे पास में कुछ important idioms हैं, right? तो आप इन्हें अपनी language में शामिल कीजिए, इन्हें use कीजिए। काफी time से video नहीं बना पा रहा हूँ, just because of मैं थोड़ा सा किन्हीं और चीजों में उलझा हुआ था, and अभी हम back to back video बनाएंगे आपके लिए, और आप मेरे से जुड़े रहिए, सीखते रहिए, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पिछले वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अब सेशन आने वाला है वोकैब का, और विदाउट वोकैब वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश राइट। सो जितना ज्यादा हम वोकैब को सीख लेंगे उतना ही अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।